भाई सब, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे नए YouTube वीडियो पर। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने पुराने स्कूल। पहले हमें जाना है अपने सीनियर विंग, उसके बाद मैं जाऊँगा जूनियर विंग। जूनियर विंग जाना है, इसके लिए इसका रिजल्ट है, बोल रहा है आप टॉप करेगा अपने क्लास में। देखते हैं, टॉप नहीं किया तो इसको वहीं पर मारना शुरू। अगर एक मार्क्स भी किसी में कम आया तो वहीं पर इसको स्कूल से ऊपर से फेंक दिया जाएगा। तो पहले हमें जाना है सीनियर विंग LOC साइन करने के लिए 12th का, और उसके बाद हम हो जाएंगे जूनियर विंग। तो चलिए चलते हैं अपने स्कूल। अगर आप भी DAV AL से पास आउट हो या फिर आप भी DAV AL में हो तो कमेंट करके बताएं। चलिए अब चलते हैं अपने स्कूल की ओर। तो हम जाएंगे अंदर अंदर से होते हुए, हमने सोचा है ले लिया जाए क्योंकि यहाँ पर रांची में भी फ्लाईओवर बन रहे बहुत सारे जगह, और वहीं पर दुर्गा मंदिर से तो काफ़ी उसके कारण भीड़ हो जाता है, जाम लगता है। तो हमने सोचा अंदर का रूट लिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वही। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर अंदर से होते हुए जाएंगे। अगर आपको भी ऐसे ही रास्ता चाहिए तो वीडियो पूरा अंत तक फॉलो करें, आपको अच्छे से सारे रास्ते मिल जाएंगे अंदर अंदर जाने का, जो कि आपको काफ़ी टाइम सेव करेगा। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने वीडियो में। और हम लोग जा रहे हैं अभी इधर से TV टावर से अंदर घुस के जा रहे हैं अभी हम लोग, बिरला मैदान होते हुए निकलेंगे। ये देख सकते हैं रास्ता का हालत काफ़ी ख़राब है, आवाज़ उठाना चाहिए म्यूनिसिपल के पास अभी, जिसका भी काम होता है ये सब। देख सकते हो अभी हम कृष्णा यादव के घर के पास पहुंच चुके हैं। इधर काफ़ी सुंदर सा मंदिर है। तो आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। यस, यहाँ पर मैं नहा धोवा कर जा रहा हूँ स्कूल, और ये मतलब ब्रश ही कर रहा है। तो भाई डर लग रहा है कि वो डर लग रहा है ऐसा होगा क्या? डर लग रहा है। अगर अच्छा मार्क्स लाया होगा तो क्यों डर लग रहा है? स्कूल में दिखाया गया था कि नहीं मार्क्स? दिखाया गया था लेकिन हम एब्सेंट। ठीक है, तब तो आज तो पता चल ही जाएगा इसका। देख लो भाई चेहरा कैसा है अभी, चेहरा कैसा है आप बिफोर लात खाने से पहले, और फिर आफ्टर देखना लात खाने के बाद इसका चेहरा। स्कूल से ही इसको मार मार के लाया जाएगा, गाड़ी के पीछे बांध के इसको दौड़ाया जाएगा। ये सब देख सकते हो छोटे मोटे शॉर्टकट्स हैं जो हम लोग ले रहे हैं। उधर से हमने अपना रास्ता इसलिए डाइवर्ट किया क्योंकि उधर का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उधर बस सारे DAVians कमेंट में #DAVian कमेंट करें। ये देखो यहाँ पर एक, ये हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर तारा गुप्ता बिल्डिंग पास। तो अब हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, हम लोग बढ़ रहे हैं अपने ये बिरला मैदान की ओर। यहाँ बिरला मैदान से अंदर से होते हुए हम लोग निकल जाएंगे ये आपका गैलेक्सिया मॉल पास, उसको क्रॉस करते हुए हम लोग तिलमिल गली से होते हुए डायरेक्ट निकलेंगे जो भी उधर काजू बागान तरफ वाला शोरूम है खाड़िया का, उधर ही से हम लोग निकल जाएंगे। ये देख सकते हो इधर भी पंडाल जी सबका तैयारी चल रहा है। बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ भाइयों मैं, देख सकते हैं आप लोग, जलन मत करना मेरे से। ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग मेट्रो गली वाला माउंट मोटर्स वाली गली में पहुँच चुके हैं, यहाँ पे शायद उससे थोड़ा आगे इधर इधर। सीधे ले लेना इधर मतलब, यहाँ पर देख सकते विद्यापीठ वाले दो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हुए सीधे। यहाँ पर एक मंदिर होगा उसके आगे, उसके पास ही से मोड़ना। यही से प्रणाम कर लो भाइयों, हनुमान जी का मंदिर। कमेंट में सभी कोई बोल रहे जय श्री राम, बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ से आ सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। उधर आपको यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, सीधे उधर नहीं उधर। हाँ, यहाँ पर ट्रैफिक अभी भी आपको नहीं मिलेगा, रास्ता भी अच्छे से बना दिया गया है इधर का। अभी लेफ्ट लेना, यहाँ पर एक ऑडी खड़ी है भाइयों, मेरी ही है, मैंने यहाँ पर रेंट पर दिया हुआ है। बहुत पैसा है मेरे पास, जिसको पैसा चाहिए होगा मैसेज करना मेरे को।
देख सकते हो ये नया नया यहाँ पर बन रहा है अभी, ये मैं ही बनवा रहा हूँ अभी अपने लिए, अकेले रहूँगा पूरे घर में। हाँ बस ये एक थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, जो इसको प्रो ड्राइवर जो नहीं है वो इधर मत लाना। आप इधर से राइड भी ले सकते हो अगर आपको इधर से थोड़ा मुश्किल होगी, अगर आपको ऐसा फील होता है तो, लेकिन कोई वैसा भी हार्ड रास्ता नहीं है। यहाँ पर ये एक पतला सा मोड़ है, वही यहाँ पर का एक टफ रास्ता है जो कि प्रो ड्राइवर ही पास कर सकता है यहाँ पर। ये देख सकते हो कितना पतला रास्ता है ये। क्या आज कल ये देख सकते हैं, यही खराब रास्ता है थोड़ा इधर का, बहुत ज़्यादा बम्पर ये सब है इधर। लोगों गाड़ी आवाज कर रहा है, रोक के देखना पड़ेगा, चक्का में पानी नहीं ना भरे। ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पर से डायरेक्ट निकल जाएंगे आपका गैलेक्सिया मॉल मछली बाजार तरफ। यहाँ से अगर आप सीधे जाना चाहोगे तो आप यहाँ पर से सीधे से निकल जाओगे मछली बाज़ार, जो कि गैलेक्सी से थोड़ा सा आगे है। आप लोगों को पता होगा पिस्का मोड़ से हम लोग थोड़ा पहले निकलेंगे इधर, लेकिन मैं उधर से नहीं निकलूँगा, मैं डायरेक्ट तिलमिल गली की ओर लूँगा और उधर से बहुत पिस्का मोड़ क्रॉस कर जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से भी हम लोग लेंगे राइट, यहाँ पर बम्पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा बम्पर था। मुझे तो लग रहा है कि रफ्तार और बादशाह के करियर से बड़ा बम्पर था वो। छोड़ो इनमें anyway, मजाक से हट के अभी हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल ही जाते हैं। सीधे चलो। हाँ भाई भी अगर रास्ता अच्छा है तो आप इधर से भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि आप मेन रास्ता से ही आना चाहोगे तो जाओ, इधर से भी आप आ सकते हो, काफ़ी अच्छा रास्ता मिलेगा आपको इधर। पर ट्रैफिक काफ़ी कम, मतलब रहता ही नहीं इधर तो गली के ये सब रास्ता, तो इधर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जो अभी रांची का हाल है, ये सब फ्लाईओवर बनने के चक्कर में काफ़ी यहाँ पर जाम लगते हैं, ट्रैफिक लगते हैं, तो उससे बचने के लिए काफ़ी अच्छा रास्ता रहेगा आप लोगों के लिए, चाहे वो कहीं भी जाना हो इधर, अगर आप काके रोड से हो या फिर मेट्रो गली से हो, कहीं से भी हो, अगर आपको यहाँ तक जाना है इटकी रोड काजू बगान, ये सब तो आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है ये सब रास्ता जल्दी पहुँचने में मिड डे में। सीधे ये देख सकते हो जूनियर डीपीएस, कमेंट करके बताइए जूनियर डीपीएस किसका जूनियर है। हाँ तो भाई अभी मैं वीडियो बना भी रहा हूँ तो हनी सिंह का ऐसा हैंगओवर चढ़ चुका है कि वीडियो बनाते बनाते केवल एक ही चीज़ याद आ रहा है, कुल्ले कुल्ले गाना आता नहीं है, बस गुनगुनाते रहता हूँ, वाइब बस मैच करनी चाहिए और कोई क्या ही चाहिए फिर। आपको काफ़ी अच्छे तरह से मैंने सारे चीज़ बता दी इस रास्ते के बारे में, आपको कैसे जाना है कैसे नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होगे आप, वीडियो में बस अंत तक बने रहना, आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पीछे रिवाइंड करके ऑप्शन दिया ही है तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा। अभी इधर से हम जाएंगे लेफ्ट, उधर से भी रास्ता है राइट से, लेकिन वो थोड़ा अजीब रास्ता है इसलिए मैंने उधर से प्रेफर नहीं किया, इधर से लेना। और ये अपन निकल चुके आप देख सकते हो कहाँ पर, कहाँ निकले हम लोग, लगभग इधर हम लोग पहुँचे होंडा का शोरूम पास निकल चुके हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ से उतना जाम नहीं मिला जितना पीछे हमें मिल सकता था, तो यहाँ से हमें काफ़ी आसानी हो गया, हमने काफ़ी अपना टाइम भी बचा लिया। तो अभी तो इधर से हम जाएंगे सीनियर विंग पहले, क्योंकि सीनियर विंग में LOC साइन
के टाइमिंग हो चुका है और अभी जूनियर विंग में भी टाइम 9 बजे से है, तो हम उधर से आते हुए रिटर्न में जूनियर विंग चले जाएंगे। पूरा भयानक इधर काम चल रहा भाई साहब, इधर देख सकते हो काफ़ी अभी काम चल रहा है, पूरा इधर कचकच हुआ हुआ रास्ता, बारिश भी होता है रांची में काफ़ी और उसी में ये सब रास्ता बन रहा है, तो इधर होना ही है ऐसा हाल। और अभी उसी में साथ में दुर्गा पूजा की भी तैयारी चल रहा था, अभी तो इधर हालत ख़राब हो जाएगा दुर्गा पूजा टाइम। तो सामने में जैसे भी जल्दी वहाँ चढ़ो। ये अब हम लोग यहाँ से पहुँच गए, देख सकते हो अब हम लोग हुंडई का शोरूम और हीरो का शोरूम क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पर अभी एक और शोरूम है जहाँ से हमें टर्न लेना है, ये देख सकते हो यहाँ पर मारुति सुजुकी का यहाँ पर है शोरूम, और यहाँ से भी हम लेना है लेफ्ट और हम पहुँच जाएंगे इधर जूनियरिंग वाले रास्ते में अपना काजू बागान की तरफ जाने के लिए। लेकिन अभी हमें जाना नहीं है उधर, अभी हमें जाना है सीनियर विंग। तो अभी हम लोग जूनियर विंग हेड नहीं करते हुए अभी हम लोग जाएंगे सीनियर विंग की तरफ। ये देख सकते हो पहले यहाँ पर हमें खेलने के लिए हम यहाँ पर आते थे क्रिकेट ये सब, लेकिन अब यहाँ पर क्या बन चुका, बहुत बड़ा पता नहीं क्या है। ओमनी सुबह में स्कूल वैन, रात में किडनैपिंग वैन, क्या छोटू सही बोले ना। ये देखिए छपरी को गाड़ी को रेस देते हुए जा रहे हैं, इसी में गिर जाएंगे बस दिमाग ठंडा जाएगा। चलिए अब यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं मिलता है यहाँ पर, अब हम यहाँ से जल्दी से जल्दी अपना सीनियर भी पहुँच जाएंगे। तो हमने अपना काफ़ी समय बचाया उधर से शॉर्टकट लेकर अंदर के रास्ते से आकर, अगर अभी हम आते हैं अपने मेन रोड से जैसे कि दुर्गा मंदिर से होते हुए तभी काफ़ी टाइम लग जाता है, मैं भी शायद पिस्का मोड़ भी क्रॉस नहीं किए हो रहे थे अभी हम लोग, लेकिन इसमें हम लोग का टाइम बचा। ये देख सकते हो भाइयों मेरा बाल पूरा भीगा हुआ था, सूख चुका है अब। देवी मंडल। अब हम लोग कुछ ही देर में शायद हार्डली 2 से 3 मिनट अब हम लोग पहुंच जाएंगे सीनियर विंग। आज बहुत दिनों बाद अच्छा धूप हुआ है रांची में, ये धूप देखकर लग रहा है भाई क्या ही जिंदगी है, इस धूप के लिए तरस गए थे रांची वासी। हालत खराब कर रखा था बारिश ने हमारा, इतना बारिश इतना वजह कोई काम ही नहीं हो पा रहा था। अब हमें हमारा स्कूल दिखने लगा थोड़ा थोड़ा, आप लोग जूम करता हूँ मैं, S23 अड्रा तो है नहीं तभी इतना में ही काम चला लो, दिख ही रहा होगा। तो हम लगभग पहुंच चुके हैं अपने स्कूल, वैसे ट्रक के कारण काफी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा धूल आ रहा है। इधर साइड से भी अब हम लोग अंदर चले जाएंगे, तो अंदर हम लोग जाने ही वाले, इधर से बस पहुंच चुके हैं हम लोग अपने स्कूल सीनियर विंग, इधर से LOC साइन करना है उसके बाद हम लोग जाएंगे जूनियर विंग। ये देख सकते हो हम लोग रास्ते में दूसरे यहाँ का रास्ता का हालत खराब है,
लोग लगभग 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 क्या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट है यार, पहुँच ही चुके हम लोग। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्कूल के, सीनियर भी नहीं होगा ना, सीन भी कर देते ये। हम लोग पहुँच चुके हैं अपने स्कूल, MCM ब्लॉक को क्रॉस करते हुए हम लोग आ चुके हैं सीनियर विंग। उधर साइड हमारा MCM और NTG ब्लॉक रहता है। ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सीनियर विंग, देख सकते हो आप लोग। पूरा ही पेंट हो गया पूरा भयानक। यहाँ पर गुंडा आदमी सबसे आगे चल रहा है, जिसको पता ही नहीं कहाँ जाना। ये प्ले ग्राउंड, बाप रे पूरा इस खेल रहा है। ये हम लोग सीनियर वहीं सब LOC साइन करके हम लोग जा रहे हैं। इसके एक जाप मार दिया इसे मैंने पहले ही। इसके स्कूल जा रहे हम लोग जूनियर विंग, जूनियर विंग में इसका रिजल्ट लेने के लिए। आज इसका रिजल्ट है टर्म वन का, तो चलिए अभी चलते हैं, देखते इसका रिजल्ट कैसा आता है। LOC तो साइन हो चुका है, पेरेंट्स बन के मैं ही गया था बस। ये देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं जूनियर विंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जूनियर विंग वाले रास्ते में। देख एक सबिट तेज हो रहा होगा किसी का साथ। इसके भैया का भी लेना है, इसके आंसू भैया का, इसके आंसू भैया का भी लेना है। तो पहले हम लोग जाएंगे इसके क्लास में, देखते से कुछ कंप्लेन आते हैं कि नहीं। पहले आंसू का क्लास पढ़ता है, मेरा नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहा है, छोटू बोल रहा है कि पहले आंसू भैया क्लास पढ़ता है, तो उसी में जाते हैं हम लोग पहले, फिर जाएंगे इसके में। चलिए चलते हैं जूनियर विंग। नहीं वापस घर चलते बोल रहा है भाइयों। बोलो क्या किया जाए, इसे काटा में इसको टांग के चल दिया जाए क्या? बोल छोटू टंगाना इसमें। नहीं बोल रहा है, हाँ बोलो। ये हम लोग पहुंच चुके हैं अपने जूनियर विंग वाले रास्ते में। यहाँ से केवल गिन के 10 सेकंड गाड़ी से लगेगा आपको। बस पहुंच चुके हैं हम लोग। ये है हमारा मेन गेट जूनियर विंग, जहाँ से सारी बसें जाती है अंदर। आगे आगे चल, आगे चल, आगे। इधर तो हम लोग चले गाड़ी लगा लेते हैं अपना इधर। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जूनियर विंग, गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पर। अब चलिए अंदर चलते हैं और छोटू का रिजल्ट लेते हैं, इससे पहले आंसू का। छोटू बोल रहा झूठ का, यहाँ आ गए अरे पिटाएगा अभी, तुम मजा आएगा तुमको भी पिटाने में, देखना। ये है इंट्रेंस वॉकर्स के लिए यहाँ का। सब देख सकते हैं यहाँ पर पूरा गार्डन, ये सब। यहाँ पर झूला वूला है, पैर लग गया क्या? अरे दोनों दो क्लास चल जाए, टाइम बचेगा। आप चल जाए आसमान में, हम इसमें चल जा रहे हैं, इसमें हम जाएंगे। ठीक है, हम आसमान में। इसका कंप्लेन आएगा भयानक, पीटेंगे वहीं पर इसका। उसका तो रोल नंबर क्या है? अरे पढ़ते पास ही में पढ़ता है। तुम रोल नंबर बताओ ना। आंसू है का 13। चलो भाई हम लोग स्कूल के अंदर। 6D यहाँ पर छोटू जी साथ में लगे लगाया हुआ है कि दिन भर अपने मुँह देखते हैं कैसा हो गया। टॉप फ्लोर पे है भाई लोग, प्लस सब जगह ऐनक लगा दिया मुँह देखने के लिए। ये सब हम लोग में करना चाहिए था। यहाँ पर सारा पूरा यहाँ पर शायद CCA का ये सब लगाया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आंसू के क्लास में।
तो दोनों का काफ़ी अच्छा है। और इधर से ही चलो, मार्क्स दोनों का काफ़ी अच्छा है, छोटे तो टॉप 3 में है और आंसू दोनों का 90% अबव है। तो घर जाकर तभी पिटाई करेंगे, तो 100% नहीं आए इसीलिए। यहीं पर नहीं योगा करते थे हम लोग, यहाँ पर भी योगा करते थे हम लोग, उधर साइड तरफ। रिपोर्ट का डाल दे क्या यूट्यूब पे? चलिए भाई वापस घर चला जाए, 9:46 हो गया। तो अब रिजल्ट लेने के बाद हम लोग स्कूल से निकल चुके हैं, तो दोनों का मार्क्स काफ़ी अच्छा आया है, दोनों ने टॉप 3 में अपना नाम लाया है, दोनों का 92% से अबव आया है, 92% प्लस आया है। तो चलिए ये था मेरा आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ।